अऊज़ुबिल्लाहिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम। आज नाज़रीन जी मैं आपकी खिदमत में एक वीडियो लेकर हाज़िर हुआ हूँ। वो शुगर के बारे में एक नुस्खा है और बहुत ही आसान और अजीबोगरीब नुस्खा है और इसके साथ साथ आसान भी बिल्कुल है। तो आपको देने लगा हूँ जो नुस्खा मैं, वो बिल्कुल आप आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं और आजमाया हुआ भी है, बेज़र्र भी है, आसान इतना कि आपको ज़्यादा दूर जाना ही ना पड़ेगा। ऐसी जो खुराक में ही शामिल है तो सिर्फ 4 दिन आपने इस्तेमाल करना है, नतीजा आपके सामने आ जाएगा बेज़र्र इतना। जब भी आपको नाम मैं बताऊंगा, आप उसी वक़्त कहेंगे कि नुकसान तो वाकई इसका नहीं है, मगर फ़ायदा जो होगा वो इस्तेमाल के बाद पता चल जाएगा आपको। करना आपको नाज़रीन कराम ये है कि एक अदद छोटा कद्दू देसी लेना है, ताज़ा हो, उसको ऊपर से छील लें और कच्चा ही खाना है सुबह खाली पेट। 1 या 1.5 घंटे के बाद फिर आप नाश्ता कर सकते हैं। तो इसी तरह आपने दूसरे दिन भी सुबह के वक़्त खाली पेट एक अदद कद्दू, जो अभी पूरा ना पका हुआ हो, यानी छोटे छोटा हो, तो उसको आपने छील कर काट के खा लेना है। और तीसरे दिन भी खाली पेट आपने यही अमल करना है और उसके बाद फिर चौथे दिन भी इसी तरह ये अमल दोहराना है। एक कद्दू मामूल के मुताबिक आपने 4 दिन खाना है और उसके 1.5 या 2 घंटा के बाद आपको नाश्ता कर लेना होगा। तो शुगर का ग्राफ का आपका जो चौथे दिन बाद होगा, वो आप सुबह के वक़्त कद्दू खाएंगे और शाम के वक़्त ही आप चेक करवा सकते हैं। मालिक के हुक्म से आपका शुगर लेवल जो है वो नॉर्मल होगा, इससे शुगर आपकी मेयार पर आ जाएगी। तो आप मेरे हक में दुआ भी करेंगे और मेरे चैनल को, जिसका नाम हिकमत व मारफत है, इसको आप सब्सक्राइब भी कर दें और लाइक भी कर दें, जो कि हमारा हक बनता है। और इसके अलावा हमारी कोई डिमांड नहीं है आपसे। तो इसी के साथ ही नाज़रीन, मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अगली आने वाली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।